गेट टुगेदर है या किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर कहीं डेट पे जाना है, ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका चेहरा चमकने वाला है। तो आप सब देख पा रहे हैं कि मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है, सबसे इजी वाला, लेकिन हम फिर भी इसे भूल जाते हैं, हम इसे इस्तेमाल ही नहीं करते और फटाफट से किसी मार्केट बेस पैक को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आज मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। हाँ जी, आपने सही सुना, मुल्तानी मिट्टी पहले के ज़माने में कहाँ फेस पैक होते थे रेडीमेड और कहाँ हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, मुल्तानी मिट्टी से ही सब लोग फेस को साफ करना, बालों को साफ करना, एटलीस्ट बर्तन वगैरह सब चीज मुल्तानी मिट्टी से साफ होता था और बहुत ही अच्छे से होता था। तो मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, और मुल्तानी मिट्टी में इतनी पोटेंसी होती है कि हमारे चेहरे से जो पोर्स में अंदर तक जो डीप क्लीनिंग करती है और जो गंदगी धूल डस्ट जो जमा हो जाती है उसे साफ करने की पोटेंसी मुल्तानी मिट्टी में होती है। हाँ जी, आपने सही सुना। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ग्लिसरीन। मेरी स्किन तो देखो सुपर ड्राई है, तो मुझे ग्लिसरीन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ओनली मिल्क या फिर गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं री स्किन, गर्मियों में भी ड्राइनेस सी फील होती है मुझे, तो आप ग्लिसरीन स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह पर गुलाब जल ले सकते हैं या फिर आप ले सकती हैं मिल्क। तो मैं नेक्स्ट यहाँ ले रही हूँ गुलाब जल, और ये देखिए आप गुलाब जल, सॉरी गुलाब जल नहीं, ग्लिसरीन ले रही हूँ, आप ले सकती हैं गुलाब जल। मैंने ग्लिसरीन लिया है, ग्लिसरीन में बहुत ही मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ड्राइनेस करती है। तो आप जो ऑयली स्किन वाले हैं डायरेक्ट इसको फेस वॉश भी कर सकते हैं इस मुल्तानी मिट्टी से। कहीं से बाहर से आ रहे हैं तो ज़्यादा ऑयली स्किन हो रही है, पसीने में बहुत ज़्यादा खराब फेस, डर्ट जमी हुई है फेस पे, तो आपको डायरेक्ट फेस को वॉश आप इस मुल्तानी मिट्टी के पाउडर से कर रही हूँ। और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ फ्रिज में जमी हुई ताज़ा ताज़ा सी ठंडी ठंडी दही। तो गर्मियों में दही लगाने का तो अलग ही मज़ा है, ठंडी ठंडी सी, तो मैंने दही ले लिया है। और इसके बाद हमें दही में, तो आप सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड हमारी स्किन में जो मॉइस्चर प्रदान करता है, साथ ही डस्ट वगैरह को निकालता है और एक ग्लो देता है, एक टोन लाइटन करता है, टाइटन हमारी स्किन को ये पैक करेगा, क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी 2 चम्मच मैंने दही ले ली है। और उसके बाद इसे अच्छे से करना है मिक्स मिक्स मिक्स, और हमारा स्किन जो है अच्छे से चमकने वाला है। तो ये देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, मैंने इनकी गुडनेस आपको बता दी है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी में कितनी पोटेंसी होती है क्लीनिंग की, ये स्किन से और बालों से जो साफ करती है ना, मतलब अनादर लेवल, एक नेक्स्ट लेवल की शाइन हमारे चेहरे पे आने वाली है। बहुत ही अमेजिंग पैक है गाइस, और सबके घर में मुल्तानी मिट्टी और दही और ये सब चीज़ें तो होती है। हम बहुत ज़्यादा बड़े वाले पैक पे नहीं जाएंगे, फटाफट से बनने वाला पैक है ये, वो जल्दी से बन जाता है। और बनाए और ज़रूर से ट्राई करें और कॉमेंट में ज़रूर से मुझे, ये अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है और जो इसकी गुडनेस है, इसको लगाने के बाद पंखे में आराम से बैठे। और हाँ, कुकुम्बर की स्लाइसेस आंखों पे लगाना मत भूलना, वो भी ठंडी ठंडी होनी चाहिए। तो देखिए इसको मैंने एप्लीकेशन बता रही हूँ मैं, मुझे तो कहीं जाना नहीं है, मुझे तो घर पे रहना है, लेकिन मैं आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए इसे बता रही हूँ कि इसको कहीं भी जाना हो तो फटाफट से अपन अप्लाई कर सकते हैं। और इतने अपन ड्रेस वगैरह निकालेंगे तो ये पैक पंखे एसी कूलर में तो सूख ही जाएगा, और उसके बाद हम जा सकते हैं फेस को वॉश करके और सनस्क्रीन लगा के और मॉइस्चराइज हमारी स्किन को करके, और बाकी की जो आप मेकअप करते हैं वो तो है ही सही। वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ठंडी ठंडा सा बहुत ही अच्छा लगता है, एक पीसफुल पैक है, मतलब पीस मिलती है इससे लगाने के बाद। थोड़ी सी देर आप रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कुछ भी काम कर सकते हैं इसको लगाने के बाद। ये वाला पैक तो आप सभी ने जरूर ट्राई किया होगा, लेकिन अब हम इन्हें जो पुरानी चीज़ें उन्हें भूलते जा रहे हैं, और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं सीरम वगैरह इनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं, तो हमारे जो चेहरे की परेशानियाँ वो भी बढ़ने लगी है। नेचुरल चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और साथ ही हाँ बजट पे भी महंगा नहीं पड़ेगा, जेब पे भी महंगा नहीं पड़ेगा, भारी नहीं पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो।